नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं आपको सेट टॉप बॉक्स की आईसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स की आईसी नॉर्मली जो सेट टॉप बॉक्स हमारे मार्केट में है वो 4 MB और 8 MB के फ्लैश आईसी पर चल रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है 16 MB के तो कुछ बहुत ही गिने चुने सेट टॉप बॉक्स सभी को मालूम है। अब 4 MB और 8 MB की आईसी वाले जो सेट टॉप बॉक्स हैं, किसी को पता नहीं रहता कि हम सेट टॉप बॉक्स खरीद रहे हैं क्या, उसमें आईसी कौन सी लगी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा देना चाहता हूं। तो दोस्तों जो हमारे मार्केट लोकल मार्केट में जो भी हमारे मिल रहे हैं या ऑनलाइन ज़्यादातर जो सेल कर रहे हैं, चाहे वो विजेता हो ये फलाना और GX में ज़्यादातर जितनी भी स्मार्ट बॉक्स, ये सब 4 MB पर चल रहे हैं दोस्तों। मॉन्टेज में 8 MB में आ रहे हैं, जैसे कि ये 3, 6 ये 8 MB के हैं। और सॉलिड कंपनी की बात की जाए तो डिलोज जो 3015 है वो 4 MB का है, और अगर DLX की बात करें तो वो 8 MB का है। 2100 प्रो भी 8 MB का है, 2100 DLX भी 8 MB का है, और इसी तरह से बहुत से सेट टॉप बॉक्स हैं। अब समस्या क्या आ रही है कि हम बहुत से लोगों ने हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर करके अपनी आईडी चिप आईडी इल्लीगल हो गई है उसकी, मतलब उसकी जो कस्टमर आईडी थी वो फिक्स हो गई है उस सेट टॉप बॉक्स में उस सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब उसको ठीक कैसे करें? अब ठीक तो वही सोल्यूशन है, आप आईसी चेंज करोगे, आईसी न्यू परचेस करोगे, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स में लगेगी आईसी, तब आपका सेट टॉप बॉक्स ठीक होगा, क्योंकि पुरानी आईसी तो गई सॉफ्टवेयर की वजह से या कुछ भी कारण हो। तो फ्लैश आईसी अगर ख़त्म हो गई है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब बात करें आईसी दो प्रकार की, मैंने आपको बताई दिया है 4 MB और 8 MB। तो 4 MB की जो होती है वो होती है 25Q32 और 8 MB की होती है 25Q64। याद रखें दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सेट टॉप बॉक्स है जिसमें 4 MB की फ्लैश आईसी लगी हुई है, 4 MB की, याद रखें दोस्तों 4 MB की अगर फ्लैश आईसी लगी हुई है, तो उस सेट टॉप बॉक्स में आप 8 MB की आईसी डाल सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डालकर, जो कि हमारा 4 MB का सॉफ्टवेयर है, तो 8 MB में आराम से डल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आप 8 MB की आईसी उसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अगर आपको 4 MB की नहीं मिल रही, 8 MB की मिल रही है, या आपके पास कोई ओल्ड बॉक्स है जिसमें जो ख़राब पड़ा है डेड है और 8 MB की है, तो वो आप डाल सकते हैं उसमें बहुत ईजिली तरीके से। उसमें 4 MB की फर्मवेयर डाल दीजिए 8 MB की आईसी में, आपका सेट टॉप बॉक्स में लगाइए, आपका सेट टॉप बॉक्स चालू हो जाएगा। तो 4 MB वाले जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें आप कोई सी भी आईसी डाल सकते हैं, 4 की तो डाल ही सकते हैं और 8 की भी उसमें डाल सकते हैं। अब बात करें 8 MB वाले जो सेट टॉप बॉक्स हैं उसमें क्या है, 8 MB वाले में आप 4 MB की आईसी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अगर 8 MB का है तो वो 4 MB में कैसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसमें कैसे घुसेगा, मतलब समझ रहे हो, मेमोरी कम है उसकी। तो अब मान लीजिए कि बहुत से सेट टॉप बॉक्स ऐसे थे अभी मार्केट में जो कि 8 MB की फर्मवेयर पे हम हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर मॉन्टेज में 4 MB का डाल रहे थे, तो इस कंडीशन में हम जरूर उस सेट टॉप बॉक्स में 4 MB का आईसी बायोस आईसी डाल सकते हैं उसमें, अगर हमें 4 MB का सॉफ्टवेयर उसमें चलाना है। तो 8 MB के अगर हमारे पास खराब हो गया है, फ्लैश आईसी खराब हो चुकी है, तो उसमें हम 4 MB की फ्लैश आईसी डालकर उसमें 4 MB का ही सॉफ्टवेयर चलेगा दोस्तों, याद रखें। उसमें फिर आप वापस वही जो ओरिजिनल वाला सॉफ्टवेयर जो 8 MB का था वो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, मतलब इम्पॉसिबल मान लीजिए, क्योंकि आपने उसमें आईसी 4 MB की डाल दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बॉक्स कोई सा भी हो, चाहे 4 MB का हो या 8 MB का हो, आप हमेशा अगर आईसी खराब होती है तो 8 MB की ही यूज करें, क्योंकि समस्या का समाधान यही है कि 4 MB का भी अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में फर्मवेयर है और आईसी भी 4 MB की डली है, तो 8 MB की लगाएं 25Q64 वाली, कोई समस्या नहीं है, वो आईसी आप यूज करें और उसमें 4 MB की फर्मवेयर डालें, और 4 MB खाली स्पेस भी रहेगा आईसी को, तो उसमें एक फैसिलिटी मिलती है दोस्तों कि मैंने भी ट्राई किया है कि अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में 4 MB की आईसी डली हुई है और हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया 4 MB का, जिसमें 8 MB की आईसी लगाकर उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया वही वाला, उससे बॉक्स आपका स्मूथली चलना चालू हो जाता है, जो हैंगिंग थोड़ा बहुत इशू है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि GX के बोर्ड में बहुत से लोग
कंप्लेंट थी कि हम हेलोबॉक्स के सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हमारा बॉक्स हैंग होता है, लेकिन बहुत से कम लोगों के बॉक्स हैंग हो रहे थे लेकिन फिर भी हो रहे थे। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि आप 8 MB की अगर उसमें IC डाल देते और सॉफ्टवेयर डाल दे 4 MB का, तो आपका काम हो जाएगा, हैंगिंग इशू ना के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का मतलब ये, बिना ब्रेक के सब कुछ समझा दिया आपको दोस्तों। तो नीचे लाल बटन जरूर दबा देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।